रोंगटे खड़े कर देने वाली इन तस्वीरों को अगर आप कोरोना की दूसरी लहर में मची तबाही से जोड़कर देख रहे हैं तो आप गलत हैं। अगर आप ये समझ रहे हैं कि इन मरीजों की मौत ऑक्सीजन ना मिलने के कारण हो रही है तो भी आप गलत हैं, क्योंकि इन लोगों की मौत ऑक्सीजन या बेड ना मिलने के कारण नहीं हुई, बल्कि इन सभी ने अस्पतालों के बाहर आत्महत्या की है। ये मरीज सिसकते हुए गिरते पड़ते अस्पतालों के बाहर पहुंचे और फिर खुद ही अपना गला दबाकर जान दे दी। आप सोच रहे होंगे कि आज मैं ये कैसी बेशर्मी की बातें कर रहा हूं। दरअसल ये मैं नहीं कह रहा, बल्कि आपकी प्यारी मोदी सरकार कह रही है। मोदी सरकार ने संसद में बताया है कि हमारे देश में कोरोना काल की दूसरी लहर में ऑक्सीजन की कमी से कोई मौत नहीं हुई। फिर सवाल तो यही उठता है कि अगर इन लोगों की मौत ऑक्सीजन की कमी से नहीं हुई तो क्या इन हज़ारों लोगों ने आत्महत्या कर ली थी? मोदी सरकार इतनी बेशर्मी पर उतर चुकी है कि शायद संसद में ये भी कह दे कि सरकार को बदनाम करने के लिए ये हज़ारों लोग खुद ही अस्पतालों के बाहर आकर मर गए थे। क्योंकि मोदी सरकार ये बात मानने तक को तैयार नहीं है कि ऑक्सीजन की कमी हुई और लाखों लोग सांसों के लिए तड़प तड़प कर मर गए। मंगलवार को कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल द्वारा पूछे गए सवाल के जवाब में स्वास्थ्य राज्य मंत्री डॉक्टर भारती प्रवीण कुमार ने लिखे जवाब में कहा, स्वास्थ्य राज्य का विषय है, मौत की रिपोर्ट की विस्तृत जानकारी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश स्वास्थ्य मंत्रालय को नियमित आधार पर मुहैया कराते हैं। राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों की रिपोर्ट के अनुसार देश में ऑक्सीजन की कमी से एक भी मौत नहीं हुई है। इसे सरकार की बेशर्मी ना कहें तो भला और क्या कहें। कोरोना की पहली और दूसरी लहर में जो तबाही मची वो हम सब ने अपनी आंखों से देखी। हमने देखा कि कैसे लोग अस्पतालों के बाहर दम तोड़ रहे थे। हमने ये भी देखा कि कैसे शमशान घाट में चिता जलाने तक की जगह नहीं थी। हमने ये भी देखा कि कैसे गंगा किनारे मुर्दा शहर बसाया गया, और हमने ये भी देखा कि कैसे गंगा में लाशें बहाई जा रही थी। वो खौफनाक मंजर आपने भी देखा होगा और हमने भी देखा है, लेकिन मोदी सरकार की आंखें तब भी बंद थी और आज भी तीसरी लहर की आशंका के बावजूद सरकार की नींद नहीं खुल रही है। कोई इतना बेशर्म भला कैसे हो सकता है? कोई इतना निष्ठुर कैसे हो सकता है? अरे ना तुम दवाई दे सके, ना तुम उधार की सांसें दे सके, ना तुम इंजेक्शन दे सके और ना तुम अस्पताल में बेड दे सके, और तो और तुम शमशान घाट में चिता जलाने की जगह तक नहीं दे सके। कम से कम ये तो मान लो कि लोग ऑक्सीजन नहीं मिलने के कारण तड़प तड़प कर मरे हैं। मेरी बात नहीं मानते तो अपनी सरकार के मंत्री नितिन गडकरी की ही बात मान लो, जो खुद कह रहे हैं कि ऑक्सीजन के कारण बहुत से लोगों की मौत हो गई थी। कोविड में इस समय हमारे देश में अनेक लोगों को ऑक्सीजन के कमी के कारण अपनी जान गंवानी पड़ी। नितिन गडकरी ने ऑक्सीजन प्लांट के शिलान्यास के वक्त 9 जून को यह बयान दिया था। नितिन गडकरी तो आपके अपने हैं, मान लिया हम सब झूठे हैं, ये भी मान लिया कि ये सारी की सारी तस्वीरें झूठी हैं, लेकिन क्या नितिन गडकरी भी झूठ बोल रहे हैं? ये सवाल है और इस सवाल का जवाब नरेंद्र मोदी को ज़रूर देना चाहिए। पीएम मोदी ने टीवी पर आकर घड़ियाली आंसू बहाए और लोगों को मरने के लिए छोड़ दिया, लेकिन अब वो कह रहे हैं कि सब चंगा सी, कोई ऑक्सीजन से मरा नहीं। जरा सोचिए उन लोगों के दिलों पर क्या बीत रही होगी जिन्होंने अपने प्यारों को चंद सांसों के लिए सिसकते देखा है। वो लोग मोदी सरकार की इस बेशर्मी पर क्या सोच रहे होंगे जिनके परिवार पूरी तरह से उजड़ गए। सिर्फ वो लोग ही नहीं, इस महामारी में खुद बीजेपी और आरएसएस के लोग भी तो मारे गए हैं। क्या आपको अपने लोगों के मरने का भी गम नहीं है? कम से कम मरने वाले को इतना सम्मान तो दे दो। अपने मैनेजमेंट को इस तरह से टीवी और अखबारों के माध्यम से दर्शाने का काम किया कि जैसे उत्तर प्रदेश में सब ऑल इज वेल है, लेकिन सच्चाई इसके एकदम विपरीत है। मैं स्वयं इस बात का गवाह हूं। मेरी पार्टी के राज्यसभा के सांसद माननीय राम जी, उनके भाई इस कोविड महामारी में इस वजह से एक्सपायर हो गए कि ना उनको दवाइयां मिली, ना उनको प्रॉपर अस्पताल मिला। मेरे अपने खुद भाई के ब्रदर इन ला, मैं पूरी रात कानपुर सीएमओ से लेकर के कानपुर कलेक्टर तक को फोन करता रहा, किसी ने फोन उठाने की जरूरत नहीं समझी और कोई जवाब नहीं। अंततः 1 बजे रात में उनकी मृत्यु हो गई। वो 1.5 महीना कैसे बिताया है इस मुल्क ने? हमारे सदन के कोई लोग बड़े मुश्किल से बच के आए, हमें नाम नहीं लूंगा। पूरे देश ने वो वक्त कैसे बिताया है?
नाइटमेयर की तरह लगता है सर, डरावना लगता है। एक मेरा स्टूडेंट पढ़ा है वह 37 साल का, हॉस्पिटल का बेड जब तक मैंने अरेंज किया वो दुनिया छोड़ के जा चुका था। जगाना चाहता हूं स्वयं को भी आपको भी, क्योंकि अगर गंगा में तैरती लाशें, सर जिंदगी में डिग्निटी चाहिए, मौत में उससे बड़ी डिग्निटी चाहिए। हमने अनडिग्निफाइड डेथ को विटनेस किया है, और अगर हमने इसको दुरुस्त नहीं किया सर, आने वाली सदियां माफ नहीं करेगी। आप बड़े बड़े इश्तहार छपवाओ, अखबारों के चार पन्ने रंग दो, फलाना थैंक यू, सर इतिहास को थैंक यू कहने का मौका मिलना चाहिए। धन्यवाद। जय हिंद सर। ये नन्हे बच्चे अपनी माँ सरस्वती बिष्ट की तस्वीर लिए खड़े हैं। आपके मुताबिक उन्होंने भी आत्महत्या ही कर ली होगी ना? आप तो ये भी कहेंगे कि गुड़गांव में रहने वाले पूर्व आईएफएस अफसर अशोक कुमार अमरोही ने भी आपको बदनाम करने के लिए खुद ही अपनी जान दे दी थी। पटना के रवीश नारायण का परिवार 30,000 में ऑक्सीजन सिलेंडर खरीद रहा था, लेकिन अफसोस आपको उनकी मौत ऑक्सीजन की कमी से नहीं लगती। क्या आप यही बात विजय सिंह के परिवार के सामने कह सकते हैं जो विजय को लेकर रांची के हर अस्पताल में भटक रहे थे? कुछ तो शर्म कीजिए प्रधानमंत्री जी, देश की जनता ने आपको दो दो बार देश की सबसे बड़ी गद्दी पर बैठाया, लेकिन आपको अपनी रियाया की ही कोई फिक्र नहीं है। मेरी बात मानिए, आज अपने सात लोक कल्याण मार्ग के घर में कोई आईना ढूंढिए और फिर उस आईने में अपनी शक्ल को देखिए, शायद आपको थोड़ी शर्म आ जाए। आपका इस बारे में क्या कहना है कमेंट के जरिए ज़रूर बताएं, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूर शेयर करें। अगर आपके पास ऐसी कोई कहानी है तो कमेंट में लिखिए, और बताइए इस देश के हुक्मरानों को कि कैसे ऑक्सीजन की किल्लत की वजह से आपने या आपके अपनों ने कितनी परेशानियां झेली हैं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और मेरी अपील है कि हमारे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। मेरा नाम सुमित चौहान है, और इस वीडियो को बनाने में मेरी मदद कर रही हैं मेरी सहयोगी अज़रा परवीन। साथियों, आप अपना ख्याल रखें, अगले वीडियो में मिलते हैं।